अरे भाइयों आ जाओ फटाफट, आ जाओ फटाफट, आ जाओ। थोड़ा सा पकौड़ा बचा हुआ है, 20 रुपए में 6 पकौड़े दे रहा हूँ। इतना सस्ता कहीं नहीं मिलेगा, इतना अच्छा पकौड़ा कहीं पे मिलेगा नहीं। हमारे यहाँ का मशहूर पकौड़ा है, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे, ऐसा पकौड़ा कहीं नहीं पाओगे, वादा है मेरा। इतना अच्छा पकौड़ा कोई इस एरिया में नहीं बनाता है। यहाँ पे पकौड़ा खाइए और टनाटन जाइए। ऐसा करो अखिलेश भैया, फटाफट छानो यहाँ पे पकौड़े, यहाँ पे लाइन बहुत तगड़ी लगी हुई है, सभी को देना है पकौड़े। ऐसा करो फटाफट छानो और फटाफट इन लोगों को हम पकौड़े देते हैं। इतना अच्छा पकौड़ा कहीं मिलने वाला नहीं, हमारे यहाँ जैसा पकौड़ा कहीं नहीं मिलता है। अरे अखिलेश तुम क्या कर रहे हो यार, इधर क्यों देख रहे हो, बार बार इधर मत देखो, पकौड़े तुम छानो फटाफट। अरे मोदी चाचा एक बात बताओ, तुम यहाँ पे ग्राहकों के सामने हमारी बेइज्जती क्यों करते रहते हो? पर रुपये तो देते हो 250 रोज के, काम लेते हो 1000 रुपये का, फिर भी इतनी बातें अलग से सुनाते हो, हमको ही बोलते रहते हो। इधर राहुल को तो कुछ बोलते नहीं हो, एक्स्ट्रा मैं पकौड़े डाल रखा हूँ फिर भी मेरे पीछे पड़े रहते हो। ऐसा लगता है तुमने मुझे 250 रुपये में खरीद रखा है, ऐसा थोड़ी होता है मोदी जी। थोड़ा बहुत तो सुकून दे दिया करो, यहाँ पे सारा दिन लगा रहता हूँ, पकौड़े ही पकौड़े तलता रहता हूँ, ऐसा थोड़ी होता है कि बार बार मुझे ही बोलते रहते हो। ऐसा लग रहा है तुमने मुझे खरीद ही लिया है, पक्का खरीद लिया है ऐसा लग रहा है। इनको राहुल को भी बोल दिया करो, ये तो कुछ करता नहीं, पीछे से यहाँ देखता रहता है और कुछ भी नहीं करता है। पैसे मैं भी लेता हूँ, पैसे ये भी लेता है। अरे अखिलेश भैया तुम नाराज मत हो, अखिलेश भैया तुम नाराज मत हो। अरे क्यों राहुल तुम काम नहीं करते हो, मेरा अखिलेश अकेले परेशान रहता है। ऐसा क्यों बैठे रहते हो, ऐसा क्यों करते हो भाई, पीछे बैठ करके हाथ धुलाते रहते हो और यहाँ पे काम दाम कुछ करना नहीं है। अगर काम नहीं करना है तो जाके घर बैठो, मैं कोई दूसरा रख लूंगा। ऐसे थोड़ी होता है, अकेला बंदा परेशान हो रहा है इतनी देर से, धंधे पानी का टाइम हो रहा है, तुम यहाँ काम दाम तो कुछ कर नहीं रहे हो, ऐसा क्यों करते हो भाई? ऐसा करना है तो कल से मत आना यहाँ दुकान पे, यहाँ पे थोड़ी ग्राहकों के सामने इंसल्ट अपनी करवा। मोदी चाचा हमारा हाथ जल गया है, नहीं तो हम काम तो करते ही, हमको क्यों निकालोगे? हम कोई ज्यादा पैसे थोड़ी ना लेते हैं, हमारा हाथ एक जल गया इसीलिए इस हाथ को इधर रख रखे हैं, एक हाथ से तो हम पकौड़े छान ही रहे हैं इतनी देर से। ये अखिलेश भी झगड़े लड़ाई करवाता रहता है हम दोनों की, अरे तो इसकी ये आदत हुई पड़ी है। दोस्तों वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी हमारे कर्जे कब दे रहे हो, ये 3 साल हो गए, रोज बताते हो कि अब परसों दे दूंगा, कभी मंगलवार बताते हो कभी बुधवार, अब हमारे पैसे वापस कर दो नहीं तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, रोज आते आते मुझे शर्म आने लगी है, रोज मांगने आता हूँ और चुपचाप तुम बैठे रहते हो। हमारा कर्जा कब वापस करोगे, आज एक दिन बता दो उसी दिन आऊँगा, नहीं तो मैं पूरे गाँव में जा करके पंचायत इकट्ठा करूँगा, तब तुम्हें कर्जा देना ही पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ ये आप बार बार मैं नहीं कहूंगा, मुझे शर्म सी आने लगी है भाई। अरे लालू चाचा आपस में क्यों लड़ रहे हो, क्या बात हो गई, इतने गुस्से में लाल पीले आंखें दिखा रहे हो, क्या हो गया? मोदी जी जो चुपचाप बैठे हुए हैं और तुम बोलते जा रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इतना जोर जोर क्यों बोल रहे हो, आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हो, कुछ हमें भी बताओ, कौन सी गुप्त बातें हैं जरा हमें भी बताओ। अरे बुलडोजर बाबा बात कुछ ऐसी है कि इन्होंने मुझसे कर्जा लिया था 3 साल पहले, अब मैं जब कर्जा मांग रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि जब मैं मुर्गी बेचूंगा तब पैसे दे दूंगा, लेकिन इन्होंने ना मुर्गी सारी बेच लिया और इन्होंने पैसे नहीं दिया। आज तक मैं जब मांग रहा हूं तो कभी मंगलवार बता रहे हैं कभी बुधवार बता रहे हैं, मांगते मांगते मैं तो शर्म सी आ रही है, यहां मोहल्ले वाले देखते हैं, रोज सुबह सुबह जब मैं इनके पास आता हूं ये तो गूंगे बन जाते हैं, कुछ बोलते नहीं, मैं तो तंग आ चुका हूं बिल्कुल। आज तो फाइनल करके रहूंगा, मेरा पैसा कब वापस करेंगे, ये यही बात है और कोई बात नहीं है। अरे योगी जी हम बताते हैं क्या बात हुई है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, इनसे मैंने 3 साल पहले कर्जा लिया था ये सही बात है, लेकिन मैंने मुर्गी पालन खोलने के लिए लिया था और ऐसा हुआ कि मुर्गी मैं ला करके मुर्गी पालन में डाल दिया और मुर्गी उसमें से 15% मर गई, अब 15% मर गई, इन्होंने 10% पे मुझे पैसा दिया था, अब बताइए मैं पैसे कहाँ से वापस करूँ, और मुझे बची कुची मुर्गी थी वो बिकी ही नहीं, तो मैं क्या कर डालूँ, अब ये रोज रोज आ करके मुझे परेशान करते हैं। अरे जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं आकर के घर पे दे दूंगा, लेकिन ये बात मानते ही नहीं, रोज यहाँ पे मेरी बेइज्जती करने आ जाते। अरे योगी जी तुम इनको समझाओ कैसे भी करके कि मेरे पास जब ऐसे होंगे तब दे दूंगा, लेकिन मुझे परेशान ना करो। भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। लालू जी मुझे इतने सामान लेने हैं, 5 किलो अनार लेना है, 15 दर्जन केला लेना है और सेब लेना है 10 किलो और नारियल रख देना 15 पीस और खजूर भी 10-15 पैकेट रख देना और उधर ये अनार तो दे ही देना ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ राहुल जी की शादी होने वाली है तो इसीलिए लेना है, पैकिंग करवाना है। इनके सही सही रेट बताओ कि क्या रेट तुम दोगे, जो रेट अगर सही लगाते हो तो इतना सारा हम पैकिंग करवाएंगे, सुबह सुबह आपका बिक भी अच्छा
जाएगा और रेट तुम बताओ क्या रेट लगाने वाले हो। रेट अगर सही मिलेगा तो हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारे पास ही खरीद लेंगे सारा चीज। रेट बताओ इनके क्या क्या हैं। तो अखिलेश भैया सुन लो सभी के रेट, हमारे यहाँ कितना सस्ता कोई देता ही नहीं है। केला है 100 रुपये दर्जन और इधर अनार तुम्हारे लिए हम सस्ता लगा देंगे 500 रुपये किलो, और इधर सेब लेना है तो 250 रुपये में ले लो, इससे सस्ता तो कहीं मिलेगा ही नहीं। इतना सस्ता मैं बेचता हूँ, इतना सस्ता कोई नहीं देता है। अगर नारियल का अगर देखा जाए तो 350 रुपये के एक पड़ेंगे, और खजूर की बात करो तो खजूर 250 रुपये किलो, 250 रुपये किलो मिलेगा, इससे सस्ता कोई देने वाला नहीं है। तो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है इतना सस्ता मैं दे दूंगा, बाकी तुम बताओ कि तुम्हारा क्या रेट है, कैसे क्या है, सारी चीजें तुम बता दो मुझे। अरे अखिलेश ये तो लालू जी बहुत महंगा दे रहे हैं यार, इतना महंगा थोड़ी होता है यार। परसों मैं गया था मोदी जी के पास तो वहाँ पे तो सही रेट मिल रहा है, ये तो इतना महंगा दे रहे। वहाँ पे सेब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया 100 रुपये के 1.5 किलो लगेंगे, इतना महंगा थोड़ी लेना है। अनार का रेट वहाँ पे पूछा 50 रुपये किलो, और केला तो पूछो ही मत, ठंडी में इतना सस्ता बिकता है, ये तो हमें उल्लू बना रहे हैं। गलत कह रहा हूँ तो बताओ अखिलेश जी। अरे यार तो केला इस समय तो 20 रुपये दर्जन, 10 रुपये दर्जन यहाँ पे रोडों पे पड़ा मिलता है, और खजूर का तो रेट ही मत पूछो, खजूर तो सस्ता ही है। अरे सही रेट लगाओ लालू जी तो दे दो, वरना कोई बात नहीं। अरे बुलडोजर बाबा ये बताओ, एक बात बताओ कि जब तुमको सब रोड पे पड़ा हुआ मिल रहा है तो यहाँ पे पैसे लगाने के लिए क्यों आए हो? जाके वहीं से उठा लो, जाओ यहाँ से निकलो। दोस्तों वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब।